मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आर मैथ क्लास टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। यह टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना तो आपने सीखा ही है। एज रिपीटेड एडिशन, एडिशन यानी प्लस करना, यानी मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड, रिपीटेड मतलब बार बार, यानी कोई नंबर जब बार बार रिपीट होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टेबल आपने सीखा है, लर्न करते हैं, टू का थ्री का टेबल, वन टाइम टू टू, टू टाइम्स टू फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, ये आपने टेबल पढ़ना सीखा है। तो उसी तरह से किसी नंबर को जब हम बार बार प्लस करते हैं तो उसकी जगह हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो उसको हम एडिशन के फॉर्म में कैसे लिखें, यही हमको सीखना है। मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे आप सबके पास ट्राईसाइकिल तो होगी, छोटे बच्चे हैं तो ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल यानी हर साइकिल में कितने व्हील्स हुए, थ्री व्हील्स होते हैं। एक साइकिल में कितने व्हील्स हुए, थ्री व्हील्स हुए। अगर आप फाइव फ्रेंड्स हैं मान लीजिए, आप सबके पास अपनी अपनी ट्राईसाइकिल्स हैं, आपको अपने व्हील्स को काउंट करना है कि टोटल कितने व्हील्स हैं, तो आप अपने व्हील्स को काउंट करोगे, मेरी ट्राईसाइकिल में वन टू थ्री, थ्री व्हील्स हैं। दूसरा फ्रेंड भी काउंट करेगा, मेरी ट्राईसाइकिल में भी थ्री व्हील्स हैं। तीसरा भी काउंट करेगा, मेरी ट्राईसाइकिल में भी थ्री व्हील्स हैं। इसी तरह से फाइव के फाइव फ्रेंड्स काउंट करोगे कि हम सबकी ट्राईसाइकिल में थ्री थ्री व्हील्स हैं, यानी थ्री कितनी बार रिपीट हो रहा है, फाइव बार रिपीट हो रहा है। तो टोटल कितने व्हील्स हो जाएंगे, तो फिफ्टीन व्हील्स हो जाएंगे। फाइव मल्टीप्लाई थ्री या थ्री मल्टीप्लाई फाइव, आप दोनों ही तरीके से बोल सकते हो कि फाइव फ्रेंड्स हैं, थ्री थ्री व्हील्स हैं सबकी साइकिल्स में, यानी फाइव साइकिल्स हैं और सबकी साइकिल में थ्री थ्री व्हील्स हैं, तो फाइव मल्टीप्लाई थ्री फिफ्टीन, या थ्री थ्री व्हील्स हैं फाइव साइकिल में, यानी थ्री मल्टीप्लाई फाइव फिफ्टीन। दोनों तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। तो लेकिन जब इसे हम रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है उसे हम एडिशन के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, ये एक टॉपिक है। फाइव मल्टीप्लाई थ्री और थ्री मल्टीप्लाई फाइव दोनों ही राइट है, फिफ्टीन ही आंसर आ रहा है, लेकिन लिखते समय हम किसे प्लस करेंगे ये एक अलग, इसे हम अलग तरीके से देखेंगे, इसी को आज हम यहाँ देखेंगे। एग्जाम्पल में मैंने लिया पहला क्वेश्चन फाइव इंटू थ्री, दूसरा उसी क्वेश्चन को मैंने पलट दिया थ्री इंटू फाइव, मैंने कुछ बॉक्सेस भी बनाए। फाइव इंटू थ्री, इंटू का मतलब टाइम्स भी होता है, फाइव इंटू थ्री यानी फाइव टाइम्स थ्री। इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ेंगे, फाइव टाइम्स थ्री यानी फाइव ग्रुप्स हैं, जो इधर पहला ये वाला नंबर है ये ग्रुप हो गया, इसे हम फाइव टाइम्स थ्री यानी जो नंबर रिपीट हो रहा है वो है ये थ्री, राइट साइड पर जो है, और लेफ्ट साइड पर जो नंबर है उतनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है, आपको ये याद रखना होगा, नहीं तो आपका एडिशन फॉर्म गलत हो जाएगा। फाइव टाइम्स थ्री, ये जो मल्टीप्लाई है इसका मतलब होता है टाइम्स या ग्रुप, फाइव ग्रुप ऑफ थ्री, थ्री ग्रुप ऑफ फाइव नहीं, फाइव टाइम्स थ्री, इसे याद रखना है आपको। तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, थ्री, कितनी बार रिपीट हो रहा है, फाइव बार, फाइव टाइम्स थ्री। तो मैंने अभी क्या बोला, व्हील्स, तो व्हील्स की जगह हम फाइव टाइम्स थ्री, तो यहाँ पे मैंने पहले वाले में ग्रुप में मेरे आ जाएंगे थ्री व्हील्स, वन टू थ्री, दूसरे वाले में भी आ जाएंगे थ्री व्हील्स, वन टू थ्री, तीसरे वाले में भी आ जाएंगे थ्री व्हील्स, वन टू थ्री, देन चौथे वाले में भी वन टू थ्री, देन पांचवें वाले में भी वन टू थ्री। अगर मैं बोलूं कि फाइव फ्रेंड थे, सबके पास ट्राईसाइकिल्स थी, सबके में व्हील्स कितने थे, थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ग्रुप हो गया मेरा, यहाँ पे फाइव है, कितनी बार रिपीट हुआ है, फाइव बार, कौन सा नंबर, थ्री, यानी वन टू थ्री। तो हम किसको प्लस करेंगे, थ्री को प्लस करेंगे, कितनी बार, फाइव बार, वन टू थ्री फोर फाइव,
हम 5 को 3 बार प्लस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम क्वेश्चन यहाँ बोल रहे हैं 5 times 3। मल्टीप्लिकेशन एंड रिपीटेड एडिशन में आपको यही ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो जो पहला नंबर है वो ग्रुप है, यानी उतनी बार नंबर रिपीट हो रहा है, और जो बाद का नंबर है वो रिपीट हो रहा है। आप बोलोगे मैम 5 + 5 + 5 भी 15 होता है, वो ग्रुप बनेगा 3 times 5, जो मैं नीचे आपको बताऊंगी। 5 times 3, ये मैं बार बार आप पर इस पर फोकस कर रही हूँ कि ये ग्रुप में ये पहला नंबर है 5 times 3, यानी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 बार। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3। तो मेरे जो ग्रुप हैं वो 5 है, और हर ग्रुप में नंबर जो है वो 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आपको जो प्लस करना है वो राइट साइड के नंबर को करना है, लेफ्ट साइड के नंबर को नहीं। ओके, और मल्टीप्लाई की जगह किसका साइन हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पलट दिया, यहाँ मैंने लिखा 3 multiply 5। अब यहाँ पे ये हो गया 3 times 5, 3 times 5, 3 times 5। ओके, यानी अब जो नंबर रिपीट हो रहा है वो रिपीट होने वाला नंबर हो गया 5। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, 3 times 5। यहाँ देखिए मैंने ग्रुप भी जो है 3 ही बनाए हैं, 3 times 5। अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स बना दूंगी, पहले मैंने व्हील्स बनाए थे, कितने फ्रेंड थे, 5। 1 2 3 4 5, 3 times 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 times 5। अब मैं यहाँ पे किसको प्लस करूँगी, 3 को या 5 को, तो मैं यहाँ पे 5 को प्लस करूँगी, कितनी बार, 3 बार, 5 + 5 + 5, मल्टीप्लाई की जगह साइन हो गया प्लस का, 3 times 5। दोनों का आंसर सेम आएगा आपका, 3 + 3 + 3 + 3 भी जब आप करोगे तो 15 आएगा, और 5 + 5 + 5 भी जब आप करोगे तो 15 ही आंसर आएगा, यानी 3 multiply 5 या 5 multiply 3 दोनों रॉन्ग नहीं है। लेकिन जब उसे मुझे राइट एंड एडिशन फॉर्म में लिखना है, यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है और उसे एडिशन के फॉर्म में लिखना है, तो मुझे रूल फॉलो करना पड़ेगा, यानी जो नंबर पहले है उतनी बार नंबर रिपीट हो रहा है, और जो नंबर बाद में है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, उसे हम टाइम्स या ग्रुप भी कहते हैं। ओके, 5 times 3 तो 3 5 बार रिपीट हो रहा है, 3 times 5 तो 5 3 बार रिपीट हो रहा है। ओके, चलो कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे 4 multiply 1, इसे आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, 4 times 1, 4 times 1, तो 4 times 1 यानी मुझे 1 को 4 बार प्लस करना है, 4 को 1 बार प्लस नहीं करना है। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे 4 multiply 1 यानी 4 times 1, तो मुझे किसको प्लस करना है, 1 को प्लस करना है 4 बार, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए, 1 times 4, 1 multiply 4 यानी 1 times 4, 4 को एक ही बार प्लस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट 2 multiply 6 यानी 2 times 6, 2 times 6, 6 कितनी बार, 2 बार, 6 + 6। ओके, नेक्स्ट 6 times 2, 6 times 2, 6 times 2, 2 कितनी बार, 6 बार, यहाँ पे 2 times 6, 6 कितनी बार, 2 बार, 6 times 2, 2 कितनी बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। ओके, नेक्स्ट 7 times 8, 7 multiply 8, 7 times 8,
एट कितनी बार? सेवन बार. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. और एक बात, मल्टीप्लाई की जगह साइन प्लस का, मल्टीप्लाई का नहीं, बार बार मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं. सेवन टाइम्स एट, एट टाइम्स सेवन, एट टाइम्स सेवन. सेवन कितनी बार? एट बार. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. ओके, यानी मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन में हम किसी नंबर को बार बार प्लस करते हैं. तो किस नंबर को प्लस करते हैं? जो नंबर बाद में लिखा हुआ होता है. फाइव टाइम्स थ्री यानी थ्री को फाइव बार, थ्री टाइम्स फाइव यानी फाइव को थ्री बार. आपको राइट साइड के नंबर को प्लस करना है उतनी बार जितनी बार लेफ्ट साइड के नंबर दिए हुए हैं. इसी से रिलेटेड ये होमवर्क मैंने आपको दिया है. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट एज रिपीटेड एडिशन. एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हुए इसे बनाएंगे तो रॉन्ग नहीं होगा.